जम्मू संभाग के जिला रियासी के नवोदय विद्यालय कारवा के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन में रखे गए युवाओं ने किया डीसी रियासी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। आरोप लगाया घटिया खाना दिया जा रहा, पीने के पानी की सुविधा नहीं, बाथरूम की कंडीशन है बेहद इनहाइजीनिक। जम्मू के अखनूर कस्बे में बाहरी राज्यों से आए लोगों का उप जिला अस्पताल में किया जा रहा सैंपल टेस्टिंग, आम जनता में रोष, कहा क्वारंटाइन सेंटर में ही शिफ्ट हो सैंपल टेस्टिंग मशीन, कोई यहां कोरोना पॉजिटिव आया तो कोरोना फैलने का है डर। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में धराल में सड़क हादसा, सड़क से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, सभी लोग सुरक्षित। जिला डोडा के मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष और इमाम जामा मस्जिद ने लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों में आम जनता के सहयोग की सराहना, वहीं उन्होंने कहा आगे ईद का मुकद्दस त्योहार है, सभी अपने घरों पर ही नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का रखें खास ख्याल, घर पर रहें सुरक्षित रहें। जम्मू में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष आर के कलसोत्रा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए मांग की कि हमारा हक हर स्तर पर मिलना चाहिए, हमारे युवाओं को हर स्तर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो मिलना चाहिए। कश्मीर घाटी में देश के दुश्मन, होश उड़ा देने वाला तहसीलदार के घर का तहखाना, घर में बना रखा था आतंकियों के छिपने का ठिकाना। कारगिल युद्ध में लुप्त हुए भूरे भालू का बढ़ने लगा कुंबा, 5 नई जगह नजर आया दुर्लभ वन्य जीव। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में कोरोना वायरस से एक और मौत, 55 साल की महिला ने तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर में खुला नौकरियों का पिटारा, 10,000 पदों पर होगी भर्ती। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज मनाई जा रही घरों में नमाज अदा कर रहे लोग, कारगिल में कल जुमे के दिन दिखा था चांद। जम्मू शहर के कनाल रोड पर एक बड़ा हादसा, कनाल रोड में स्थित 3 गोडाउन में लगी आग, व्यापारियों का हुआ लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। अगस्त से पहले शुरू कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उड़ाने, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। राहुल गांधी ने प्रवासियों पर जारी की डॉक्यूमेंट्री, प्रवासी मजदूर बोले हमें गांव पहुंचा दीजिए। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,654 नए मामले, 137 की मौत, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,25,101 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से करी बात, कोरोना वायरस से उभरने में मदद का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रेलवे को पत्र, 26 मई तक बंगाल ना भेजे श्रमिक ट्रेनें। भारत में कोरोना वायरस का कहर, बीएसएफ में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 21 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। एम्स में मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष जेएन पांडे का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, अब बिहार में भी मामला दर्ज।